awesome. शाहीन रिसाले को तीन सेमाई
3 माह के बाद निकलता था शाइन, उसको मैं एडिट करता था, जिसमें बच्चों के स्कूल के बच्चों के तालबिलों के मजामी कहानियाँ बताए अखबार जरूरी वो शायद किए जाते थे, जो बहुत मशहूर हो चुका था और पसंद भी किया जाने लगा। और तीसरे इर्द गिर्द के इलाके के स्कूलों में भी वो मैगजीन बहुत पसंद किया जाने लगा और इस हमारी रविश पे दूसरे स्कूलों में भी नॉट ओनली अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्ट लेते थे और उनको बहुत मज़ा आता था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में और वो बहुत एक्साइटेड थे, इसकी वजह से उनको एक एडिटर के तौर से भी चूज किया गया। तो अंकल, आपने मैट्रिक को अच्छे नंबर से पास किया 1969 में, फिर उसके बाद आपने किस कॉलेज में कॉमर्स कॉलेज में दाखिला लिया। इन्होंने अपनी मैट्रिक करने के बाद एसएम कॉमर्स कॉलेज में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। और आप लोग को एक चीज़ बताऊं दोस्तों, मेरे पापा भी एसएम कॉमर्स कॉलेज में ही पढ़े हैं। आपने 1965 से लिखने का आगाज़ किया, तो आपने किन किन अखबारों में और रिसालों में अपनी कलम की जौहर दिखाई? मैंने 1965 से लिखना शुरू किया और मैं जंग अखबार के शफी हफीज साहब बच्चों के अखबार निकलता था, उसका नाम था रोनियाल लीग। फिर उसके बाद सैयद महमूद अली असद साहब, उसके वो इंचार्ज बने निगरान रोनियाल लीग के, तो मैं जंग में मेरी कहानियाँ मजामिन और आप तमाम शाये होते थे मुख्तलिफ चीज़ें। फिर इसके साथ मुझे रोजनामा इंजाम के जनाब एक उनका रिसा बच्चों का हफ्ते में एक बार निकलता था अखबार बच्चों का, जो उसका नाम था होनियार लीग। होनियार लीग में मैंने लिखना शुरू किया, उसके निगरान बच्चों को रिसाले जो थे उनका नाम था, बच्चों के बड़े अदीब भी थे, राइटर भी थे, आम साफी भी थे, इमदाद निज़ामी था, उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया। और मैं अपने लिखने का, जिसमें हमारे पुराने साथियों में सलीमुद्दीन सिद्दीकी, काफ़ी राइटर यूसुफ गोगेल शिफा और बेशुमार लोग हैं हमारे साथी जो पुराने लिखने वाले, जो वो भी मुख्तलिफ अखबारों और रिसालों में हैं। मैंने फिर ये बच्चों के तालीम और तरबियत हमदर्द नौने हाल इसमें लिखा, तो मेरे मजा में बच्चों को गुंचा कि हम पुराने जो रिसाले थे बच्चों के अभी भी शाये हो रहे हैं बहुत से, मैं उसमें लिखना शुरू किया और काफ़ी लिखा। फिर मुझे हकीम मोहम्मद सईद साहब के रिसाला हमदर्द नौनियार में 14 जुलाई 1970 में मुलाजमत दी गई और मैं वहाँ हमदर्द नौनियार के शोभा तशरीफ व तालीब में वाबस्तगी इख्तियार की और वहाँ मैं नौनियार का काम मुझे सैयद मसूद अहमद बरकाती साहब और जनाब कमर हाशमी साहब की ज़ेर निगरानी और हमारे हकीम मोहम्मद सईद साहब की सरपरस्ती में भी और हौसला अफजाई के दिन में आगे काम बढ़ता रहा। और वहाँ मैंने 2008 21 सितंबर को मैं 2008 को मेरी 60 साल की उम्र हुई तो मैं वहाँ से रिटायरमेंट हुआ मेरा। मैंने 38 साल 2 माह हमदर्द नौनिहाल में काम, 38 साल एक तवील अरसा है। इसके अलावा मैं मेमन बरादरी के 4 रिसालों में काम किया है। एक रिसाला मेमन समाज है जो पाटवा मेमन जमात शाय करती है, उसमें भी तकरीबन 39 साल मेमन फेडरेशन का रिसाला मानामा मेमन बॉडी टीम, वो कोरोना की वजह से बंद हुआ जो 20 फरवरी 19, तो मैं उसमें भी 40 साल काम किया है तकरीबन। इसके अलावा मैं मेमन आलम में 30 साल काम किया, जो पूरे दुनिया के मेमन हैं उनके बारे में रिसाला जो WMO भी निकालता, पहले प्राइवेट वो निकलता था मेमन आलम ट्रस्ट निकालता, बाद में ये उन्होंने उसको ट्रस्ट वर्ल्ड मेमन को दिया WMO। तो मैंने वहाँ हज पे जाने से पहले मैंने अक्टूबर 1910 में वहाँ से
रिजाइन किया और मैंने काम छोड़ दिया। तो तीन ये और कुतियाना मेमन बरादरी का रिसाला एक तर्जुमान कुतियाना, तो मैं 4 साल तक सब एडिटर पी एस एस से काम करता रहा। इस तरह मैंने मेमन बरादरी की भी एक कवि दर्शन से खिदमत की है और काम किया। मैंने 30 किताबें लिखी हैं, उसमें 15 किताबें मेरी अपनी हैं और 15 किताबें मैंने गुजराती से तर्जुमे की हैं और बेशुमार मुजल्ले और वो खत्री बरादरी के और सोवेनी और शायरी। तो इन्होंने हमदर्द नौनिहाल में 38 ईयर्स काम किया, जो कि एक बहुत तवील टाइम पीरियड है। तो असमान अंकल ने 30 बुक्स लिखी हैं, जिसमें से एक अभी मेरे हाथ में है। तो अंकल, आपको कोई ऐसा एहसास हासिल है जिसके बारे में आप बताना चाहें? जी हाँ, मैंने ये बहुत बड़ा एहसास हासिल किया कि पाकिस्तान का परचम बनाने वालों को कभी उसको मुतारिफ नहीं कराया गया था। मेरे ख्याल आया तो मैंने अखबार आज में मुरासले लिखे कि इसका परचम बनाने वाले का मैं इंटरव्यू या तारुफ कराना चाहता हूँ पूरी कौम को पाकिस्तान की। तो वो छपे अखबारों में, तो मुझसे रब्ता किया अफजाल हुसैन साहब ने। लेकिन उनके उन्होंने मुझे बताया कि मेरे भाई अल्ताफ हुसैन ने परचम हम दोनों भाइयों ने मिलकर बनाया था। तो फिर वो उन्होंने मुझे पता दिया अपना न्यू कराची का, तो मैं उनके घर गया। वो 79 की बात, मैं वहाँ गया, उनसे इंटरव्यू किया और वो जंग अखबार में छपा था 19 अगस्त 79 में। तो उसके बाद तहलका मचा माशाल्लाह। और इन दो भाइयों का इसमें हिस्सा है, पाकिस्तान को परचम बनाने वाला का। इसमें अल्ताफ हुसैन मरहूम हो चुके थे, तो मैंने इनके भाई से सारी मालूमात दी और दोनों का बनाया इंटरव्यू। और जिसमें अफजाल हुसैन साहब ने काउंट किया मुझसे और फिर जंग अखबार में छपा 19 अगस्त 1976 में। और फिर जियाउल हक साहब ने उनको बुलाया गया और एजाज़ से नवाजा गया, सदारती एजाज़, और एक गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉन भी दिया गया अफजाल साहब। उन्होंने वो मिठाई का डब्बा और ये सब चीज़ें ला कर दी थी। जब छपा था तो इनकी आव भगत हुई सरकारी तौर पर, तो उसका भी मुझे आभार बताया। मुझे खुशी हुई कि मैंने एक पाकिस्तान कौम को एक अच्छा काम करके दिया। चलिए, आपने ये तो अच्छा किया कि आपने दोनों भाइयों को मुतारिफ करवाया। अब आप मुझे ये बताएं कि सिंधी अदब, पश्तो अदब, बलोची अदब और पंजाबी अदब पे तो बहुत काम हुआ है, पर कायदे आजम की मादरी जबान गुजराती पे आपने क्या किया? मैंने गुजराती अदब पे मैंने शुरू से तालीम, इब्तदाई तालीम गुजराती जबान में हासिल की, इसलिए मुझे गुजराती पे उबू हासिल हुआ मुताला। और ये तो मैं अक्टूबर 1994 के अंदर एकेडमी अदबियात की जानिब से, इस्लामाबाद की जानिब से एक कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई थी। हुकूमत पाकिस्तान ने मुनक़दी पाकिस्तान की आलमी गुजराती अदब की कॉन्फ्रेंस में मैंने शिरकत की और गुजराती ज़बान और उसका अदब के मौजू पर एक तवील मकाला पढ़ा, जो वहाँ तकसीम किया गया था हुकूमत पाकिस्तान ने प्रिंट करके। वो दौर सदर, उस वक्त सदर लगारी साहब थे और वज़ीर आज़म के अहदे पे मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा थी उस ज़माने में, 94 की बात है। उनमें फ़खर जमा साहब ने मुझे हिदायत की कि मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा की ख्वाहिश है कि कायद आज़म की मादरी ज़बान के पर काम नहीं हुआ है, वो काम इन्हें इसमत अली पलेट को सौंपा गया, सुप्रद किया जाए कि वो इसका अदब, गुजराती अदब को कंपाइल कर। तो ये मेरे को 3 साल लग गए, मैंने कंपाइल कर काम किया कि पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर 2008 तक। ये मैंने जिसमें शायरी भी है, अदब भी है, गीत भी है गुजराती के, और तमाम गुजराती का तारीख, हिस्ट्री सब मैंने लिखा इसमें। जनाब, मुझे गुजराती शोरा का ताउन भी हासिल था
और रहनुमाई भी हासिल थी और ये मैं काम शुरू किया, 3 साल में मुकम्मल किया। और ये जब छपा उस वक्त उनकी बेनजी साहबा की हुकूमत नहीं थी तो ये काम रुक गया। फिर सदर लगारी साहब ने ये काम अपने जुम्मे लिया। जब खत लिखा कि भाई ये किताब छपनी है, किताब सदर आसिफ जरदारी साहब ने ये किताब छापने का इंतजार किया और कफर रमा साहब ने पूरी निगरानी की। इसमें आगा नूर मोहम्मद साहब भी शामिल थे, उनका ताउन था, वो एकेडमी अभ्यास सिंध रीजन के वो थे रेजिडेंट आए। और इनका कदम कदम पे मेरे को आगा नूर मोहम्मद साहब की रहनुमाई और तमाम सहूलियात फराम करते रहे और ये काम आगे बढ़ता रहा और ये काम हुआ। और फिर इसकी हुकूमत सिंध ने इंतजाम किया कि इसका ओपनिंग आर्ट कॉन्सर्ट में रखा गया था। इंतजाम डिप्टी स्पीकर शहरा रजा साहबा ने इस किताब की रहनुमाई कर। माशाल्लाह अंकल, आपने बहुत से अच्छे काम किए। पर आपका ताल्लुक खत्री कम्युनिटी से है तो आपकी खत्री कम्युनिटी ने आपको क्या दिया? माशाल्लाह खत्री बिरादरी ने मुझे बहुत इज्जत से नवाजा है। बहुत मैं कहता हूँ कि जो इन्होंने मेरे लिए किया खत्री बिरादरी, हर फर्द मेरी इज्जत करता है, एहतराम करता है। जुलाई 1988 में मुझे 4 खत्री बिरादरियाँ हैं जो मशहूर हैं, जिसमें मुस्लिम कच्छी खत्री बिरादरी, हलाई मुस्लिम खत्री बिरादरी, मालवा उज्जैन की खत्री बिरादरी और सिंधी खत्री बिरादरी, सिंधी मुस्लिम खत्री बिरादरी। 4 बिरादरियों ने मिलकर एक बहुत बड़े इज्तिमा में मुझे फखरे खत्री का खिताब दिया गया था। मैं पूरी बिरादरी का, चारों बिरादरियों का ममनून और मशहूर हूँ। इन्होंने मुझे इतनी इज्जत और एहतराम से नवाजा गया कि मैं उसका सोच भी नहीं सकता था कि मेरे को उस जमाने मेरे एक मुजल्ला, तारीखी मुजल्ला खत्री आलम जो जखीम था, जिस चारों कौमों के बारे में था, चारों बिरादरियों के बारे में मालूमात का ख़जाना था, उन्होंने उसको बहुत पसंद किया। और हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर और हालाई मुस्लिम खत्री एसोसिएशन के सदर चेयरमैन जनाब मोहम्मद अमीन खत्री साहब ने इस मुजल्ले की रहनुमाई फरमाई और वो आज तक उस मैगजीन को पसंद किया जाता है। मैंने एक किताब खत्री तहरीक पाकिस्तान और खत्री बिरादरी भी कलम बंद की, जो भी जिसको भी काफ़ी पजीराई हासिल। मेरे ख़ानदान में मेरे दादा जान हाजी इब्राहिम अल्लाह रखा पटेल, वो कच्छी जबान और गुजराती जबान के बहुत मशहूर शायर हैं, जिनका तखल्लुस मकबूल कच्छी है। इनके छोटे भाई हाजी यूसुफ अल्लाह रखा पटेल साहब, जिन्होंने खत्री कौम पे एक बहुत बड़ा एहसान किया, वो 2 जखीम जिल्दों पर मुश्तमल तारीख खत्री कलमबंद की गुजराती जबान में, जो आज हवाले के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, वो नायाब किताब दोनों जिल्दों, जिसमें इंडिया के, पाकिस्तान के और दुनिया भर के खत्रियों के बारे में मालूमात का ख़जाना। मैं इन दोनों मेरे दादा जान मकबूल कच्छी साहब की कलमी किताब, उन्होंने भी 15 किताबें गुजराती में कलम बंद की। तो ये तारीखी चीज़ें, ये तारीख का हिस्सा है। बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो मेरे को, मैं तो छोटा आदमी हूँ जो आपने मेरा इंटरव्यू किया, लेकिन मैं अब आपसे और मजीद क्या कहूँ कि आपने मुझे ये इज्जत दी। आपने अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे, इज्जत दे। अब तो मेरा 72-73 साल की उम्र है और मैं इस उम्र में हूँ। हम दुआ करें मेरी सेहत के लिए,
तो मैं और भी अगर जिंदा रहा तो खिदमत करता रहूँगा खत्री बरादरी, और मैं अपने तमाम खत्री बरादरी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो भी अपनी बरादरी के लिए कुछ न कुछ खिदमत करते रहे कलम के जरिए, दूसरी चीज़ सोशल फील्ड में। और मैं आप जैसे बच्चों को मैं दुआ देता हूँ, बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया और कर रहे हो, जो तुम्हारा शौक है इस उम्र में प्रिंट मीडिया का होता आजकल मल्टी मीडिया का है, आपने उसमें जो काम करके दिखाया है, ये इंटरव्यू बनाया, ये बहुत बड़ी बात है। इतने बच्चों मेरे को तो यकीन भी नहीं आया जब आपने मेरे से वक्त दिया इंटरव्यू का, तो मैं आपको ये दुआएँ देता हूँ आपके वालदेन के लिए कि आपके नसीब अच्छे करें, आप वजीब और तरक्की करें। मैं बच्चों से ये कहूँगा कि वो अपना वक्त कीमती वक्त खेलों के साथ पूरे तालीम पर भी ज़रूर तवज्जो दें। तालीम के साथ किताबों का मुताला बेहद ज़रूरी, मुताले के बगैर आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। किताबें अच्छी और दोस्त हो जिससे हमें बहुत कुछ सीख सकते। वक्त का ज़िया अच्छा नहीं, मैं अपना वक्त कभी जाए नहीं सीखता, चाहे कुछ भी हूँ, मैं वक्त को बहुत सही इस्तेमाल किया जिसकी वजह से आज इस मुकाम पर पहुँचा। हमारा ये इंटरव्यू असमत अंकल के साथ बहुत दिलचस्प रहा, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आप ये इंटरव्यू अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी थोड़ा वो भी ये इनके बारे में जान सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और